राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए, कहा भारत के विकास की बुनियादी इकाई है देश के गांव। भारत की G20 अध्यक्षता की दूसरी स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक आज से गोवा में शुरू। छत्तीसगढ़ में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 1,841 पहुंची। और राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कोरबा में ग्रामीणों के लिए बनी वरदान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का उद्घाटन किया। उन्होंने इस अवसर पर पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन और पुरस्कार समारोह में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे गांव पूरे भारत के विकास की बुनियादी इकाई हैं और इसीलिए उन्हें प्राथमिकता के साथ विकसित करने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को अपने गाँव को अपनी सुविधा के अनुसार विकसित करने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि गांव में शांति और सद्भाव बनाए रखने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। देवियों और स्वजनों, आप सब जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस द्वारा अधिक संपन्न, अधिक समतावादी, अधिक संरक्षित विश्व की रचना के लिए वर्ष 2030 तक 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने का संकल्प लिया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इस गोल्स की प्राप्ति के लिए भारत सरकार भी प्रतिबद्ध है। वस्तुतः सरकार के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना इसी प्रतिबद्धता का परिचायक है। मुझे बताया गया है कि पंचायती राज मंत्रालय ने यूनाइटेड नेशंस के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत 9 थीम्स में समाहित किया है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि इन थीम्स के आधार पर ही राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि पंचायती राज मंत्रालय का ये कदम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगी। आपको बता दें कि पंचायती राज मंत्रालय आज़ादी का अमृत महोत्सव के दूसरे चरण के हिस्से के रूप में 21 अप्रैल तक राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह मना रहा है। इस कार्यक्रम में देश भर से 1,500 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भारत ने आज G20 की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया है। वाराणसी में शुरू हुई G20 की कृषि वैज्ञानिकों की 100 बैठकें पूरी हो रही है। इन बैठकों के जरिए भारत ने अपनी सांस्कृतिक विरासत, विविधता और दृढ़ संकल्प को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। 3 दिनों तक चलने वाले इस बैठक में G20 सदस्य देशों के लगभग 80 विदेशी प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भारत ने आज G20 की अध्यक्षता में एक मील का पत्थर हासिल कर लिया है। वाराणसी में आयोजित हो रही G20 के कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की बैठक के साथ ही भारत में G20 की 100 बैठकें पूरी हो रही हैं। इन 100 बैठकों के आयोजन के माध्यम से भारत ने अपनी सांस्कृतिक विरासत, विविधता, पर्यटन क्षमता, विकास और दृढ़ संकल्प को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो ये 100 बैठकें देश के अलग अलग 41 शहरों में आयोजित हुई, जिनमें 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया गया। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान व्यक्तिगत भागीदारी अब तक की सबसे बड़ी भागीदारियों में से एक है। इन 100 G20 से संबंधित बैठकों में 111 देशों के 12,300 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन 100 बैठकों के दौरान भारत की सांस्कृतिक विरासत से दुनिया को रूबरू कराने के लिए 150 से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 7,000 से अधिक कलाकारों ने हिस्सा लिया। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष होने के कारण भारत ने विदेशी मेहमानों को मिलेट्स के व्यंजन भी परोसे।
भारत की अध्यक्षता के दौरान ही आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एक नया कार्य समूह, एक नया एंगेजमेंट ग्रुप स्टार्टअप 20 और मुख्य विज्ञान सलाहकारों का गोलमेज सम्मेलन जैसी नई पहल शुरू की गई। इस G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत दक्षिण और विकासशील देशों की आवाज को भी बुलंद कर रहा है। जनवरी 2023 में डिवाइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। G20 में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी स्कूल कॉलेज में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 का शिखर सम्मेलन आयोजित होगा, जिससे पहले भारत अपनी अध्यक्षता के दौरान लगभग 60 शहरों में 200 से अधिक G20 की बैठकें आयोजित कर रहा है। बता दें कि 16 नवंबर 2022 को G20 के बाली समिट के दौरान भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी गई थी, जिसके बाद भारत ने 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता संभाली, जो कि 30 नवंबर 2023 तक जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बात कर लेते हैं कोविड की। देश में पिछले 24 घंटों में 9,100 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। इस दौरान लगभग 6,313 रोगी कोविड से मुक्त भी हुए हैं। देश में इस समय 60,313 रोगियों का कोविड उपचार चल रहा है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में अब तक कोरोना के 135 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,841 हो गई है। कोमॉर्बिडिटी यानी कि किसी अन्य बीमारी से पीड़ित एक मरीज की मौत भी हुई है। रायपुर में सबसे ज्यादा 215 एक्टिव मरीज मिले हैं, तो वहीं दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव और सरगुजा में भी 100 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं। कोरोना संक्रमण के पिछले 5 दिनों के जिलेवार आंकड़ों के मुताबिक हर दिन 200 से ज्यादा लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो रही है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना को लेकर अभी सतर्क रहने और संक्रमण से बचने के लिए नियमों का पूरी तरह से पालन करने की लोगों से अपील की है। दुर्ग के बोरीगारका की 19 साल की हिशा बघेल छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर बन गई है। लगभग 2,600 रंग रूटों की पहली बैच में 273 महिलाएं भी शामिल थी। इस बैच ने 28 मार्च को ओडिशा के INS चिल्का में अपना प्रारंभिक प्रशिक्षण पूरा कर लिया और भारतीय नौसेना में शामिल हो गई हैं। हिशा की सफलता पर परिवारजन बेहद खुश हैं। हिशा बघेल के पिता संतोष बघेल ने उन्हें सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया था, लेकिन 3 मार्च को उनके पिता की मृत्यु हो गई, लेकिन फिर भी हिशा ने हिम्मत नहीं हारी। आज गांव पहुंचने पर गांव वालों ने बेहद ही नए अंदाज में DJ और बाजे गाजे के साथ 2 किलोमीटर तक पूरे गांव में उनका रोड शो निकाला। घर पहुंचने पर उनकी मां ने आरती उतारकर अपनी बेटी का स्वागत किया, तो वहीं हिशा ने अपने दिवंगत पिता के छायाचित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और मैं चाहूंगी कि मेरे स्टेट से और अधिक लड़कियां जाए, क्योंकि वहां पे मेरे हमारे छत्तीसगढ़ का कोई ऐसे पार्टिसिपेट नहीं देखे, सारे अदर स्टेट के थे। तो मैं चाहूंगी कि हमारे स्टेट हमें छत्तीसगढ़ और दुर्ग जिले की लड़कियां जाए, वहां पे पार्टिसिपेट ज्यादा से ज्यादा। जो ये मोदी जी ने स्कीम निकाली है अग्निपथ योजना, ये बहुत ही अच्छी है और लड़कियों को आगे अवसर प्राप्त करने के लिए बहुत ही अच्छी स्कीम है। तो मैं चाहूंगी कि इस स्कीम के जरिए लड़कियां डिफेंस में जाए, और ये भले 4 साल के लिए है लेकिन स्कीम, लेकिन 25% में आने के लिए लड़कियां बहुत ही, मतलब 25% में आने पर उनको आगे सर्विस करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो मैं चाहूंगी कि उनके बड़े भाई कोमल बघेल बताते हैं कि हिशा एक बहुत अच्छी एथलीट है। वहीं विशाखापट्टनम में हुए अग्निवीर फिजिकल टेस्ट में हिशा पहले नंबर पर आई थी। उन्होंने बताया कि सन 2016 में मेरे पिता के बीमार होने के बाद से हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। कोमल बघेल ने यह भी कहा कि भले ही मेरे माता पिता बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा हमें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित ही किया। तमाम मुश्किलों के बाद आज हिशा ने अपने पिता के सपने को पूरा किया। बीते एक हफ्ते में मनेंद्रगढ़ और कोरिया वन मंडल में एक दंतैल हाथी दल का आतंक बना हुआ है। इस दल ने अब तक 2 दर्जन मकानों को नुकसान पहुंचाया है और आसपास के खेतों में लगी फसलों को चौपट कर दिया है। हालांकि अब तक किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, फिर भी वन विभाग की टीम लगातार सतत निगरानी कर लोगों को समझाइश दे रही है कि वे हाथियों के साथ छेड़छाड़ ना करें। जिस क्षेत्र में हाथी का आवागमन बना हुआ है, उस क्षेत्र में जाने से बचें। उस क्षेत्र में दंतैल हाथियों का मूवमेंट जारी है और हाथियों का ये दल हर दिन नई जगह पहुंच रहा है। कुछ दिन पहले आया था, 2 हाथी आए थे, तो वो अभी चले गए हैं यहाँ से।
अभी हमारे पास हाथी नहीं है और अभी मनेन्द्रगढ़ वनमंडल से सूचना आ रही है कि उधर से एक दल मूव करता हुआ इधर आ रहा है, तो वो हम तैयार, हमारे स्टाफ तैयार है, अगर रात में आता है तो पूरे आसपास के गांव में हमने अलर्ट कर दिया है, नेवरी मेंदा ये आसपास के गांव में अलर्ट कर दिए हैं और शाम जैसे 4 बजे होगा हमारे स्टाफ वहाँ तैनात हो जाए। गौरतलब है कि कई वर्षों से इस क्षेत्र में हाथी दल का आना जाना लगा हुआ है और अब तक दर्जनों से अधिक जनहानि के साथ ही सैकड़ों घर टूट चुके हैं, खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचा है और इसलिए इस क्षेत्र में हाथी आगमन से सतर्कता बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार की महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कोरबा में ग्रामीणों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। जिला प्रशासन की मदद से कोरबा के अधिकांश गांव में जल संरक्षण और जल संवर्धन के तहत तालाब, कुओं और सड़क निर्माण का कार्य रोजगार गारंटी योजना के तहत करवाया जा रहा है। कोरबा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने बताया कि बीते साल कोरबा को 40,69,000 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन इस लक्ष्य के विपरीत 114% इस लक्ष्य को करते हुए 46,59,000 लोगों को रोजगार दिया गया। उन्होंने बताया कि जिले के 95,000 से अधिक परिवारों को सीधे रोजगार से जोड़कर लाभान्वित किया जा चुका है। सभी ग्राम पंचायतों में और उनके अधीन जो आश्रित ग्राम है उसमें लगातार वर्ष भर काम देना सुनिश्चित करवाना, उनको समयबद्ध मजदूरी भुगतान हो, सामग्री का भुगतान हो, इसको सुनिश्चित करवाना एक सर्वोच्च प्राथमिकता में से जिला प्रशासन की है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में जो हम लोगों को लक्ष्य मिला था 40,00,000 मानव दिवस सृजन का लक्ष्य था, उसको हम लोगों ने नियत समय से पूर्व ही हम लोगों ने उसको पूर्ण किया, न केवल पूर्ण किया बल्कि जो हमको लक्ष्य मिला था उस लक्ष्य से ज्यादा जाते हुए 46,00,000 से ज्यादा मानव दिवस सृजन किया है और लक्ष्य से 114% की उपलब्धि हुई है। 100 लक्ष्य के सापेक्ष 114% मानव दिवस सृजन की उपलब्धि हुई है, जो कोरोना काल के बाद जो ऐसी स्थिति है ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और आजीविका प्रदान करने की, उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि। ग्रामीणों ने बताया कि पहले रोजगार की तलाश में उन्हें गांव और शहर से बाहर जाना पड़ता था, लेकिन रोजगार गारंटी योजना के तहत अब उन्हें उन्हीं के गांव में रोजगार मिलने से काफी सहूलियतें हो रही हैं। वहीं घर से बाहर रहने की चिंता भी अब खत्म हो गई है। गौरतलब है कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत गाँव में चल रहे कार्यों से जहाँ ग्रामीणों को उन्हीं के गाँव में रोजगार मिल रहा है, तो वहीं ग्रामीणों के द्वारा किए जा रहे कार्यों से गाँव का सतत विकास भी हो रहा है। और अब कुछ खबरें जिलों से। राजनांदगांव जिले के तुमड़ी बोर्ड के गांव कोहका में आज सुबह एक तेज रफ्तार बस ने ट्रैक्टर को पीछे से ठोकर मार दी, जिससे बस के चालक और परिचालक की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 5 अन्य लोग घायल हुए हैं। हादसे के बाद घायलों को उपचार के लिए राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दुर्ग जिले के पुलगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत चंदखुरी में स्थित राकेश जिंदल इंडस्ट्रीज की राइस मिल में बीती रात भीषण आग लग गई। जिला अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा दुर्ग के फायर कर्मियों द्वारा आग को बुझाया गया। करीब 15 गाड़ी पानी और फार्म की बौछार की गई और आग को गोदाम तक जाने से रोका गया। इस भीषण आगजनी में जान माल की बड़ी हानि हुई है। जगदलपुर के महारानी अस्पताल के पास बीते साल से डॉक्टर चायवाला के नाम से प्रसिद्ध अशोक जायसवाल चाय की गुमटी चला रहे हैं। वे आर्थिक रूप से कमजोर और बेसहारा लोगों को निशुल्क दवाइयां मुहैया करवाते हैं और इसके साथ ही गरीब महिलाओं को प्रसव के पश्चात दूध भी निशुल्क मुहैया करवाते हैं। अशोक के पास आर्थिक आय का साधन मात्र उनकी चाय की गुमटी है। बचपन से ही उनके मन में समाज सेवा की ललक रही, जिसके बाद उन्होंने निःशुल्क दवाई वितरित कर समाज सेवा शुरू की। बेमित्रा के नवागढ़ मुख्यालय में 25 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बन रहे श्री सियाराम दरबार मंदिर का भूमि पूजन नवागढ़ विधायक और संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे ने किया। इस अवसर पर 1100 महिलाओं ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए, कहा भारत के विकास की बुनियादी इकाई है देश के गांव। भारत की G20 अध्यक्षता की दूसरी स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक आज से गोवा में शुरू। छत्तीसगढ़ में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 1,841 पहुंची।
और राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कोरबा में ग्रामीणों के लिए बनी वरदान। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।